नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है न्यूज क्लिक की इस खास पेशकश में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला से जिन्होंने अपना लंबा करियर अलग अलग विधाओं में महारत हासिल करते हुए 25 किताबें सामने आई हैं, और एक किताब जो बहुत खास है, जिसमें बहुत मेहनत है और जो आज के वर्तमान को भी समझने में मदद करती है, उस किताब से भी उनका ताल्लुक है। इनका नाम है कल्पना कन्नाबिरान। आपका न्यूज क्लिक में बहुत स्वागत है। मैं दर्शकों को बता दूं कि सोशियोलॉजी में महारत तो आपको है ही, बहुत लंबा पीरियड आपका निकला है अलग अलग संस्थाओं को हेड करते हुए। ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, लॉयर हैं, कानून की गहरी पकड़ है, और एक और परिचय जो सामान्य तौर पे मैं नहीं देती किसी महिला का, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बात ही हम केजी कन्नाबिरान की कर रहे हैं, केजी कन्नाबिरान की बेटी हैं, और इन्होंने जो किताब अभी इस देश को और दुनिया के सामने रखा है वो बहुत अहम है। किताब का नाम है द स्पीकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, और ये बात करती है केजी कन्नाबिरान के 5 दशकों की पूरी यात्रा की। केजी कन्नाबिरान कानून की दुनिया में, वकालत की दुनिया में, ह्यूमन राइट एक्टिविज्म की दुनिया में, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ी लकीर उन्होंने खींची जिस तरह से उन्होंने दखल दिया, और यह किताब उनकी उस जर्नी को, उस यात्रा को पकड़ने की कोशिश करती है। इसको कल्पना अपनी बहुत मेहनत से लेकर हमारे सामने आई हैं। आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई है जब किताब का टाइटल मैंने देखा कल्पना, कि आज जब हम बात कर रहे हैं 2023 में, सबसे ज्यादा खतरा कॉन्स्टिट्यूशन पर है, सबसे ज्यादा हमला कॉन्स्टिट्यूशन पर है, सबसे ज्यादा हमला कॉन्स्टिट्यूशन के वी द पीपल ऑफ इंडिया पर है, तो ये जो खतरा है इसे आप कैसे देखती हैं? हम सब जानते हैं कि आज संविधान खतरे में है, और हर डायरेक्शन से, मतलब कि इट्स नॉट जस्ट अ सिंगल अटैक, इट इज़ नॉट जस्ट अ सिंगल इंस्टीट्यूशन, हमारी सारे संस्थाएं, द एंटायर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर, राइट फ्रॉम द पार्लियामेंट टू इंस्टीट्यूशंस ऑफ एजुकेशन, every single institution is under threat, right from parliamentarians of the opposition. हमने राहुल गांधी को expel करते हुए देखा, and we have seen Muslim girls in Karnataka being prevented from going hijab ke mamle mein prevented from going to their colleges if they did not remove their hijab. So there is a whole range of issues. We have issues related to protection of data privacy. We have issues related to basic and fundamental ह्यूमन राइट्स। हमने पैंडमिक में देखा, लॉकडाउन के समय में भी देखा कि एवरी सिंगल लॉ, हर लेवल पे कानून को नेग्लेक्ट करते हुए, यू नो, द एक्शन ऑफ द स्टेट वाज इन कंप्लीट डिसरिगार्ड ऑफ द लॉ एट एवरी लेवल। सो इट व्हाट वी सी इज एन एस्केलेशन, वी सी बढ़ता जा रहा है, और बढ़ता जा रहा है, और ज्यादा होते जा रहा है, कि इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू वन सिंगल एरिना अलोन। हमने ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल डिसेंटर्स हम देखते हैं, राइट फ्रॉम द एंटी सीए प्रोटेस्टर्स टू स्टूडेंट लीडर्स लाइक उमर खालिद, टू द भीमा कोरेगांव केसेस, ऑल द अक्यूज्ड इन द भीमा कोरेगांव केसेस। इट इज एन अनइमेजिनेबल kind of situation that we have. We have Bilkis Banu, who should not actually be standing in court today. I mean, it is such total injustice, such total inhumanity for us to actually make her, of all people, or Zakia Jafri, of all people, stand in court to ask for justice.
जस्टिस शुड एक्चुअली बी गोइंग टू दैट डोर. जब हम कहते हैं कि संविधान खतरे में है, इट इज नॉट ए सिंपल मैटर, इट इज नॉट एनी वन सिंगल थिंग. वी ऑल्सो सॉ विथ द विमेन रेसलर्स, वी सॉ विद द विमेन रेसलर्स द इनॉग्रेशन ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. वॉट आर द प्रोटेक्शंस अगेंस्ट attack, against mass violence, against collective violence. Look at what is happening in Manipur. Manipur में और जहाँ पर हम बैठे हैं आज दिल्ली में, यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर नूह में, yes. हम सोचते हैं कि ठीक है, इस इंसिडेंट के बाद आगे शायद हम कुछ कर पाएंगे, but it doesn't happen. You know, you just constantly, as human rights activists, as people, citizens who believe in the constitution, we are constantly overtaken. We don't have time to gather forces, we don't have time to recover from one thing before we are pushed into another. मतलब मणिपुर का जो वीडियो आता है, बिल्कुल, और उसके बाद उन औरतों को खुद सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता बिल्कुल. है न्याय के लिए, बिल्कुल, और वो सुप्रीम कोर्ट जो पहले दरवाजे बंद कर चुका मणिपुर, बिल्कुल, उसे दोबारा, मतलब ये भी हैरानी है कि नग्न औरतों की परेड देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट जागता है और फिर उनकी सुनवाई शुरू होती है. और बिल्किस बानो के केस में सारा कानूनी कार्रवाई खत्म भी हो जाता है, यू हैव अ कन्विक्शन, फिर भी उनको जाके सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने पड़ती है. यू नो, सो इट्स लाइक इट्स एन एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग सिचुएशन, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी सिचुएशन. तो at this point, you know, jo human rights activists hai ya women's rights activists hai ya people who are active in minority rights, generally active in defense of fundamental rights under the constitution, ek tarah ki fatigue aa jati hai, ki thakan ho jati hai ki hum kahan se shuru kare, humne to yahi baat पिछले 5 साल पहले हमने किया था, अभी फिर कर रहे हैं, 20 साल पहले हमने किया था, फिर कर रहे हैं. बट आई थिंक दिस एक्चुअली टेक्स मी राइट बैक टू माय फादर्स बुक, बिकॉज इसमें आपने बहुत एक अहम बात भी कही है, या दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू स्पीक. अ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशन ओनली व्हेन इट स्पीक्स. And the second thing that he said, or wo, you know, it, the way he said, put it in English is extremely, you know, powerful. The struggle is its own reward. So as human rights activists, संघर्ष करना ही एक तरह से हमारा एक पुरस्कार है. और हमें वो हमें choice नहीं है वहाँ पे कि संघर्ष करना पड़ता है और वो जिम्मेदारी बनती है. इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट आवर राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज इट्स ओनली बाय प्रोटेक्टिंग राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वी कैन प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन. सो द कॉन्स्टिट्यूशन कैन ओनली स्पीक थ्रू द वे इन विच वी गेट इट टू एक्ट इन डिफेंस ऑफ इट्स ओन प्रिंसिपल्स. तो आई थिंक दैट जब टाइटल का भी मैंने सोचा था, बहुत दिन सोचती रही कि इस किताब का टाइटल क्या रखें. सिसिफियन लाइफ एंड लॉ तो ठीक है, माय फादर ऑलवेज कॉल्ड हिमसेल्फ सिसिफस. उनका जो पहला किताब था वेजेस ऑफ इम्प्यूनिटी 2004 में ओरिएंट लॉन्ग मैंने पब्लिश किया था. जब हम दोनों ने वो मैन्युस्क्रिप्ट तैयार करके, मैं मैन्युस्क्रिप्ट तैयार कर रही थी एंड ही वॉज जस्ट पुलिंग आउट ऑल हिज आर्टिकल्स एंड गिविंग देम टू मी, मैंने कहा कि अपा आप इसका टाइटल क्या रखेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, ये तो एक ही टाइटल है, द रिफ्लेक्शंस ऑफ सिसिफस. तो मुझे ओरिएंट लॉन्गमैन का कॉन्ट्रैक्ट कहीं से मिला 2 हफ्ते पहले, और मैंने फिर देखा और वो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट में रिलेशंस ऑफ सिसिफस एसेज ऑन पावर जस्टिस एंड ह्यूमन राइट्स है. और वो रिलेशंस ऑफ सिसिफस को, दर्शकों को सिसिफस के बारे में बताइए. और वो रिलेशंस ऑफ सिसिफस को सर्कल करके उन्होंने कहा चेंज टाइटल टू वेजेस ऑफ इंप्यूनिटी इंक में. तो ये सिसिफस कौन थे? सिसिफस वाज अ ग्रीक कैरेक्टर हु वाज कंडेम्ड
to keep rolling a stone up the hill. And every time he rolled it halfway or almost to the top of the hill, it just came rolling back. And so his entire वापस आ जाता था. So every his entire life was only spent in trying to roll this rock up the hill. And it is a larger, it is a story in a larger mythology. But my father's, you know, self-image of himself was Sisyphus. बहुत लोग ने मुझे पूछा कि सिसिफस बैटल इज अ लूजिंग बैटल, कि वो हमेशा पत्थर को ऊपर पुश करते थे और वो वापस नीचे आता था, तो इजंट दैट अ लूजिंग बैटल, इजंट इट अ नेगेटिव, यू नो, इजंट इट अ नेगेटिव इमेज. बट माय फादर आई थिंक थॉट ऑफ इट अ लिटिल डिफरेंटली. उनके दिमाग में क्या था कि वो जितने भी बार पीछे आ जाए हमको आगे बढ़ाना है कि ले जाना है बस. सो बिल्कुल, आई मीन आई थिंक दैट दिस वाज हिज आइडिया, कि हमको इस बारे में सोचना नहीं है कि अगर हम मेहनत करके ऊपर उसको पहुंचा दें तो वो ऊपर ही बैठेगा, नहीं वो नीचे आए तो भी फिर से हमको ऊपर भेजना पड़ेगा. आपकी बात, ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है. आपकी बात सुनते हुए मुझे भीमराव अंबेडकर का कोट याद आ रहा है, कथन याद आ रहा है, जिसमें वो कहते हैं कि मैं बहुत मुश्किल से ये यहाँ तक पहुंचाया हूँ इस रथ को, अगर इसे आगे नहीं बढ़ाना तो इसे पीछे जाने के लिए मत छोड़ना, कम से कम यहाँ तक इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और देश का जो विकास है वो यहाँ तक तो रहे. बिल्कुल. सो आई मीन इट इज दैट, आई मीन इट इज दैट, आई थिंक इन यूजिंग द आइडिया ऑफ सिसिफस और इन कास्टिंग हिमसेल्फ इन दैट इमेज, ही गेव हिमसेल्फ, ही डिफाइंड हिज पर्पस इन लाइफ, कि इस समाज में, भारतीय समाज में, विच इवन बाबा साहेब अम्बेडकर कॉल्ड यू नो अ ग्रेडेड सोसाइटी, देर इज एन इनबिल्ट इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस विच द कॉन्स्टिट्यूशन हैज टू स्पीक अगेंस्ट, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन विल ओनली स्पीक अगेंस्ट इट as effectively as we are able to make it speak against injustice. So it is our untiring responsibility to hamara kartavya hai aur usko humko us kartavya ko pehchanna padega. Is kitab mein aapne 18 chapters rakhe hain, aapka apna bhi note hai aur us note ko bhi jo pathak padh paaye, darshak padh paaye, wo padhi bahut khoobsurat hai. उसमें दो बहुत ही खूबसूरत कविताएं भी आपने कोट की हैं और वो उस दौर की हैं जिस समय एक दूसरे ढंग का मूवमेंट चल रहा था, जिसमें केजी कन्ना बिरान भी शामिल थे, न्याय के लिए लड़ाई चल रही थी, जो नक्सलवादी, माओवादी, अंडरग्राउंड, इमरजेंसी, सारा दौर वो भी है. इस पूरे चैप्टर्स में जो 18 चैप्टर है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा ऐसा चैप्टर है जिसे आप जब बटोर रही थी, आपने बहुत रेफरेंसेस भी जुटाए हैं, तो आपको लगा कि बिल्कुल आज का दौर, ऐसे क्या रिफ्लेक्शंस लगे आपको कि वो टाइम मशीन उधर से इधर आ गई? एक्चुअली 18 चैप्टर है और हर चैप्टर में, हर एक चैप्टर में मुझे लगा कि जो वो 1958 में बात कर रहे थे, अंसारी बेगम के केस में, जो एक मुस्लिम महिला पाकिस्तान गई थी पार्टीशन के बाद, और 5 साल बाद उसको लगा कि ये पाकिस्तान नहीं, इंडिया नहीं, मैं मद्रास की वासी हूँ, आई एम अ टैमल वुमन फ्रॉम मद्रास, और मद्रास मेरा मुल्क है, मुझे वहीं पर रहना है. और वो वापस आती है मद्रास और डिपोटेशन का ऑर्डर देते हैं, फॉरेनर्स एक्ट के इसमें डिपोटेशन ऑर्डर देते हैं, और शी इज फेसिंग डिपोटेशन इन मद्रास, मद्रास सिटी. और गरीब महिला,
वर्किंग क्लास मुस्लिम वुमन और लॉयर अपॉइंट करने की पैसे उनके पास नहीं, और उस समय माय फादर वाज 29, ही मतलब लीगल प्रैक्टिस बिल्कुल तब ही शुरू किए थे, एक केस भी उन्होंने लड़ा नहीं था तब तक, एंड ही वाज ही हैड नो सपोर्ट, ही हैड अ सिंगल मदर हु ब्रॉट अप हर फोर चिल्ड्रन एंड नोबडी इन द लीगल प्रोफेशन, सो ही वाज लर्निंग द रोप्स कि ये पहला केस, और वो भी कैसे, वो एक सीनियर लॉयर के ऑफिस में जाके शाम को अपना कोट और गाउन रख के घर जाते थे। तो एक दिन जब सीनियर लॉयर के ऑफिस जा रहे थे गेट के अंदर, तो ये महिला बाहर खड़ी थी। तो ये उनका पहला केस था, पहला केस था। तो ये महिला बाहर वो गेट के पास देख रही थी कि कोई लॉयर या कोई वकील। तो तब अपा कहते हैं कि वो मेरे सूरत को देख के शायद उसको लगा कि ये भी मेरे जैसे लगभग गरीब लगते हैं, तो मैं पूछ सकती हूँ इसको। तो उसने आके एकदम वो कागज का टुकड़ा अपा के हाथ में रखा और बोला कि ये क्या है। तो वो डिपोर्टेशन ऑर्डर था। तो देन ही जस्ट वेंट इनटू द प्रेसिडेंसी कोर्ट इन मद्रास and argued against the deportation order and got it struck down. And wo already citizenship act aa gaya tha, to her application was pending. To she was she could walk free from the court. The deportation order was struck down, aur bole ki punishment to you are punished till the rising of the court. To aise nahi ki conviction nahi kiya. कन्विक्शन फॉर वायलेटिंग डिपोर्टेशन, आई मीन वायलेटिंग रेजिडेंस रिक्वायरमेंट्स तो दिया था कोर्ट ने, मगर कहा कि द वायलेशन इज ओनली टिल द राइजिंग ऑफ द कोर्ट, सो वंस यू द कोर्ट राइजेस यू आर फ्री। और जब मैं अंसारी बेगम की केस पढ़ रही थी, तो एंटी सीएए प्रोटेस्ट्स एंड सीएए बिल्कुल, मतलब इट्स द सेम थिंग। देन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड ही इज टॉकिंग अबाउट you know, the labor unions in Singareni collieries, and how he had to negotiate with the management, and how he petitioned the courts on behalf of the labor unions for fair wages for mine workers. And we are talking about the labor codes today. आज की तारीख में. आज की तारीख में. उसके बाद चलते हैं emergency, illegal arrests. Maintenance of Internal Security Act, poetry, you have Kabir Kalamansh people in jail today, you have poets in jail, VV is on bail, Barbara Rao is on bail, and Barbara Rao is in jail. 75 mein Barbara Rao the, abhi bhi Barbara Rao hai, and so many others. Isme Nikhileshwar ka poem hai, Bhayam. फियर, जिसको आपने अपने उसमें भी कोट किया है। तो यू नो, एंड सो द इश्यूज आर रियली द सेम, आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन, डिसअपीयरेंसेस, एनकाउंटर्स के बारे में है। अभी क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, अभी तो हैदराबाद में एनकाउंटर इज द रूल, एनकाउंटर रूल हो गया, एनकाउंटर इज द लॉ, एंड अ मेजर पार्ट ऑफ देयर वर्क वाज ऑन एनकाउंटर्स, नक्सलाइट कॉन्स्पिरसी केस। अभी आप सरकार के खिलाफ कुछ भी कहें, यू आर एन अर्बन नक्सल, तो वही मुद्दे। अब तो पार्लियामेंट में भी टुकड़े 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 अर्बन नक्सल, हर कोई अर्बन नक्सल है। तो कोई एक्टर कह देता है अर्बन नक्सल, वो होली ट्रूथ बन जाता है। तो जबकि के जी कन्ना बिरान ने और शंकरन, एस आर शंकरन ने तो कितना लंबा स्ट्रगल किया, बिल्कुल, कि जो नक्सलवादी हैं उनसे एक पीस टॉक में, जिसमें केजी कन्ना बिरान और शंकरन दोनों को किडनैप कर लिया था नक्सलवादियों ने, तो उसका भी जिक्र है जो पीस टॉक्स रही। तो द थिंग इज दैट ऑल पीस टॉक्स थे, अबडक्शंस थे, जब बहुत सारे आईएएस ऑफिसर्स को किडनैप किया था
और तब कर्णबिरान को एक मीडिएटर के रूप में ले आए कि उनकी बात ही थी जो एक तरफ सरकार और दूसरी तरफ नक्सलवादी दोनों सुन रहे थे तो ही बिकेम द मीडिएटर टू नेगोशिएट द रिलीज ऑफ द आईएएस ऑफिसर्स. ही इज रिटन अ लिटिल बिट अबाउट दैट. डेथ पेनल्टी के बारे में भी, यानी मृत्युदंड के बारे में भी एक चैप्टर है इसमें. जी, और डेथ पेनल्टी के डिबेट्स अभी हम देखते हैं कि वो निर्भया केस के दौरान, वर्मा कमेटी प्रोसीडिंग्स के दौरान, या टेररिस्ट क्राइम्स जब डिस्कस होती है उस कॉन्टेक्स्ट में, अफजल गुरु पार्लियामेंट अटैक केस के कॉन्टेक्स्ट में, पर्टिकुलरली विथ रेफरेंस टू अफजल गुरु, वी सी लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन द डेथ पेनल्टी और मृत्युदंड के बारे में बहुत डिस्कशन होता है. इस किताब में ही रिफ्लेक्ट्स ऑन द फिलोसफी, द फिलोसॉफिकल ओपोजिशन टू द डेथ पेनल्टी. वो काफ़ी साफ साफ कहते हैं दैट इट इज एक्चुअली प्रीमेडिटेटेड मर्डर. कि आप तय करते हैं, चाहे कोर्ट ही क्यों ना हो, तय करते हो आप कि इनको जिंदा रहने का हक नहीं है. और फिर आप उसका रीजन देते हैं, डेट फिक्स करते हैं, एग्जीक्यूशनर फिक्स करते हैं और जान लेते हैं. तो अगर आप मर्डर का डेफिनेशन देखते हैं पेनल कोड में, तो डेथ पेनल्टी सैटिस्फाइज ऑल सारे इंग्रेडिएंट्स ऑफ मर्डर एंड कॉन्स्पिरेसी बोथ, बिकॉज यू आर ऑल टॉकिंग एंड प्लानिंग टू किल दिस वन पर्सन और टू पर्सन्स. सो ही वाज टोटली अपोज्ड टू द डेथ पेनल्टी. और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां वो पॉलिटिकल केसेस में, पर्टिकुलरली नक्सलाइट, उन दिनों मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट कहते थे ML, नक्सलाइट प्रिजनर्स के बारे में जो डेथ पेनल्टीज बहुत सारे केसेस में दिए गए, एंड ऑल ऑफ देम वे नॉट कन्फर्म, दे वे नॉट पुट टू डेथ. सो यू हैड नागभूषण पटनायक, यू हैड सो मेनी वेरी इंदिरा रमणा रेड्डी, यू नो, आई मीन सो मेनी पीपल who were sentenced to death. Indira Ramana Reddy's case was so curious kyunki Naxalites to mante the ki court ek bourgeois institution hai to aur samvidhan ek bourgeois instrument hai to revolutionaries court tak nahi jayenge. To jab case aate the court mein, cases aate the, to ye log they would never defend themselves in court, never represent themselves in court. कोई वकील भी नहीं करते थे. वकील, हाँ, और but the court had to वकील तो देना ही पड़ता है. देना पड़ता है. ट्रायल कोर्ट में इंदिरा रमणा रेड्डी वॉज गिवन एन एक्स पार्टी डेथ पेनल्टी. ही वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड, बट द ट्रायल जज सेंटेंस्ड हिम टू डेथ. तो वो केस अपील में आया हाई कोर्ट. इंदिरा रमणा रेड्डी वॉज स्टिल रिफ्यूजिंग टू गो टू कोर्ट. तो it's not like the judge just said, okay, he's not coming to court, let's off with his head. Sir, काट दिया जाए, ऐसे तो नहीं कहा. मैं ये सोच रही थी कि ये जो सारी डिबेट है आज की तारीख में, देखिए ये कितनी अजीब हो गई है. बिल्कुल. कि अगर जैसे ही कोई रेप का मामला आता है तो कहा जाता है कि फांसी पे, बिल्कुल, फांसी दे दी जाए. कोई आतंकवादी है, नहीं, इसको तुरंत फांसी दे दी जाए, नहीं तो यहाँ तक कि पॉलिटिकल हेड्स बोलते हैं कि चौराहे पे लटका दिया जाए. बिल्कुल, बिल्कुल. तो ये एक अलग सा रिवर्स हो रहा है. मुझे लग रहा है जो आपने बताया ना कि ऊपर लेके जा रहे थे, तो अभी सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पत्थर वापस पीछे की तरफ आता दिखाई दे रहा है. बिल्कुल. और वो डेथ पेनल्टी के मामले में तो आई थिंक द डिस्टिंक्शंस दैट ही मेड एंड द डिबेट दैट ही ट्राइड टू ट्रिगर कोर्ट्स में, आई थिंक द सिग्निफिकेंट थिंग अबाउट दिस बुक is ki all the chapters, all the issues, sare mudde jo jiski zikr is kitab mein kiya gaya hai, wo sare court cases ke context mein hai. Aur court mein ya tribunal mein ya public hearing mein kis tarah ki charcha chali, jahan wo ek lawyer ke roop mein khade the. You know, so it is a very important understanding of how he tried to work the constitution. मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि
आप जब ये किताब कर रही थी, आप खुद वकील की वकालत की जानकार हैं, लॉ कानून की जानकार हैं, कानूनविद हैं आप, आज जब हम देखते हैं अपने आसपास देश की राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे देश में जो हेट स्पीचेस हैं, जो नफरत है, जो नफरत करने वाले हैं वो अपराध करते हैं, बंदूक के साथ अपराध कर रहे हैं, बंदूक लेके घूम रहे हैं, अपने वीडियो खुद ही बना रहे हैं, ये जो इम्प्यूनिटी है बेसिकली, है ना, कि उनको पता है कि कुछ भी नहीं होगा, कोई उनको पकड़ेगा नहीं, ये स्थिति क्यों हो गई आज? ये स्थिति क्यों हो गई इज एविडेंट इन अ सेंस इन माय व्यू इन द पॉलिटिक्स. जैसे आपने कहा कि जो बात होती है और जो एक्शन होता है उसमें कुछ अंतर नहीं है. यू नो, गोली मारो सालों को इज अकम्पनीड बाय गोली मारना. You know, it doesn't, there's actually no distinction. और अदालत कहती है कि भाई ऐसे बड़ा बात नहीं क्योंकि मुस्कुरा के कहा था. हाँ, तो हाँ, जान लेते हो तो मुस्कुराओगे. इंस्ट्रक्चरल वायलेंस टेकिंग लाइव्स ऑफ, क्योंकि देखिए वहां से क्रम, वहां से जो क्रम शुरू हुआ, एक आरपीएफ का कांस्टेबल चुन के चार इंडियन सिटीजंस को मार देता. बिल्कुल. And it happens all the time. And the impunity is something that we have to understand as a part of a larger problem, which you know, which courts cannot be negligent to. But courts are negligent to it. Mm-hmm. And part of our task in making the Constitution speak is to point out exactly this. कि आप जब कोर्ट में बैठते हैं आपको लिबर्टी नहीं होता है कि आप कहें कि नहीं इसके बारे में हम रिलीफ्स नहीं देंगे. बिकॉज जब आप कोर्ट में बैठते हैं तब आपका फर्ज बनता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन संविधान का रक्षा उन लोगों को दें जो इस हिंसा के टारगेट्स हैं. एंड ये हिंसा वर्बल भी हो सकता है, फिजिकल भी हो सकता है. हमने SC ST प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट में जी, अगर आप अट्रोसिटी का डेफिनेशन देखते हैं तो वर्बल अब्यूज इज एन अट्रोसिटी. इफ यू लुक एट प्रोटेक्शंस फॉर विमेन, पर्टिकुलरली विद इन मैरिज वेयर विमेन कैन बी किल्ड, and the law has repeatedly, aaj bhi the law has sanctioned marital rape. Ki agar meri shaadi hui hai to my husband does not need my consent in order to have sex with me. And this is the law. So it sanctions marital rape, but the law also criminalizes mental cruelty. To ye nahi ki ओनली मारपीट होनी चाहिए. मेंटल क्रुएल्टी कम्स विद इन द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट शेड. सो वी आर फाइटिंग फॉर द क्रिमिनलाइजिंग ऑफ मैरिटल रेप. और मैरिटल रेप का भी जिक्र होता है डेथ पेनल्टी चैप्टर में. अच्छा, इस किताब में. बिकॉज ही सेज अगर आप तो डेथ पेनल्टी फॉर रेप मांग रहे हो और अगर डोमेस्टिक वायलेंस इज वेरी वेरी प्रिवेलेंट, सो इफ आई ब्रिंग टू यू अ हस्बैंड गिल्टी ऑफ रिपीटेडली रेपिंग हिज वाइफ, विल यू गिव हिम द डेथ पेनल्टी? द टेस्ट इज देयर. अच्छा, हाँ, ये इक्वेट किया उन्होंने. या द टेस्ट इज देयर, विल द हस्बैंड बी सेंटेंस्ड टू डेथ? आई रिमेंबर एज फार बैक एज 1999 व्हेन देयर वाज अ डिस्कशन on death penalty for rape for the first time. My father, my mother and I, that is the only article that the three of us wrote together. Uske baad unhone jab Dhananjay Chatterjee ka death penalty ki samasya aayi, to he wrote to the president ji, say arguing for clemency. And Dhananjay Chatterjee was executed 1 month later, 1 month after his letter. So there is a reference to that as well. So there are, and then Chandrababu Naidu came up with a proposal around 2004
कि आई एम गोइंग टू चेंज द लॉ सो दैट वी विल कैंपेन नेशनली फॉर द डेथ पेनल्टी फॉर रेप. और अब तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स, बिल्कुल अब तो ये पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, क्योंकि जहां पर भी बलात्कार है और यहाँ पर एक डिस्क्रिमिनेशन भी बहुत दिखाई दे रहा है, जो आप भी देख रही हैं, हम सब देख रहे हैं, कि अगर रेपिस्ट हिंदू है, मेजॉरिटी का है, मेजॉरिटी कम्युनिटी का है, दबंग जाति का है, तब वहां पर कानून बदल जा रहा है. नहीं, तब वहां पर रेमिशन होता है. हाँ, नहीं, तब वहां पे जो डेरा सच्चा राम रहीम है उसको पैरोल पे पैरोल मिलता है, वो कन्विक्टेड है और उसने रेप हिंदू महिला ही का किया, लेकिन क्योंकि वो दबंग जाति का है, उसका एक पॉलिटिकल क्लाउट है. तो मैं तो देख के हैरान थी कि जैसे ही चुनाव आता है हरियाणा में, जैसे ही कोई चीज होती है, उसे पैरोल मिल जाता है. बिल्कुल, उमर खालिद को बेल तक नहीं मिलती है. बिल्कुल. लेकिन आप देखिए, जो एक रेपिस्ट है और जो मर्डरर है, मतलब दोनों ही आरोप उस पर साबित हो चुके हैं. बिल्कुल. सिर्फ बिल्किसी का मामला नहीं है यहाँ पे, ये भी देखिए, हमने देखा है कि अभी बृजभूषण शरण सिंह, बिल्कुल, जिसके ऊपर देश की नामचीन महिला पहलवान ने यौन शोषण का आरोप लगाया, कुछ नहीं होता. कुछ नहीं होता. आज की तारीख में मैं तो देख रही थी कि कल जब डिस्कशन चल रहा था, स्मृति ईरानी बार बार मिसोजिनी की इस्तेमाल कर रही थी, स्त्री द्वेष का, उनके पीछे बृजभूषण मुस्कुरा रहे थे, ताली बजा रहे थे. तो ये जो एक दृश्य है, ये बहुत डरावना है दरअसल. और यू नो, इस कॉन्टेक्स्ट में हमको एक केस ध्यान में रखना चाहिए, और वो केस स्वामी प्रेमानंदा का, तमिलनाडु में, जो एक हिंदू आश्रम चलाते थे, एंड ही वाज अक्यूज्ड ऑफ रेपिंग माइनर गर्ल्स, मोस्टली श्रीलंकन माइग्रेंट्स इनटू तमिलनाडु. ही वाज अक्यूज्ड ऑफ aggravated, many counts of aggravated rape, forced abortion, murder of a male inmate, and the IDWA in Tamil Nadu took up that case in a big way. Or that's one of the cases Appa speaks about, because he appeared for the victims. Mm-hmm. And Justice Banumati, who retired from the Supreme Court, at that time was a trial court judge. Mm-hmm. In the Premananda case. Ji. And she convicted Premananda. She convicted him to life imprisonment. Mm-hmm. The High Court of Madras High Court confirmed the conviction. Mm-hmm. And Premananda remained in court. Ram Jethmalani appeared for Premananda. So, you know, I mean, jab hum kehte hain ki, you know, the struggle is its own reward, and we need to actually recover a memory of the victories, a memory of a different understanding, mm-hmm. a different constitutional sensibility. I think that these are the things. How do we understand the death penalty? Mm-hmm. How old is the defense of political conscience and belief? Dalitों पे अत्याचार का भी एक chapter है. दलितों का अत्याचार पे भी chapter है. और आदिवासी schedule 5 areas, पीसा के पहले जो आंध्र प्रदेश में केस चली थी उसके बारे में, इन दैट केस आल्सो ही हैड अपीयर्ड फॉर द गोंडवाना संघर्ष समिति. बट आई थिंक टू कम बैक टू प्रेमानंदा, इट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अब हम देखते हैं कि दिस होल रिलीजियस फंडामेंटलिज्म एंड रिलीजियस नेशनलिज्म इज इट ट्राइज टू ब्लाइंड यू टू द डीप पेरिल्स and partisan nature of majoritarian, you know, politics. Ji. And Premananda actually offers you a counterpoint. कि it is possible. ऐसा भी हुआ था. ऐसा भी हुआ था. Supreme Court को लेकर in the 1990s इस देश में, India में ऐसा भी हुआ था. A religious guru was actually convicted on multiple counts of rape and murder. And he was imprisoned. He was convicted for life. He was imprisoned. And after serving several years of his sentence, he died in prison. You know, that it is possible to stand a religious head up in court and question him like you would question any other person accused of aggravated criminal. तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में
अब दर्शकों से विदा लेने से पहले मैं जरूर कहना चाहूंगी कि ये किताब बताती है कि जितना भी संकट है, जितना भी मुश्किल का दौर है, हमने जो संघर्ष से हासिल किया है, जो आपने बिल्कुल कहा कि संघर्ष ही हमारा पुरस्कार है, बिल्कुल, तो पत्थर हमें छोड़ना नहीं है, उसको ऊपर ले जाना हमारी किस्मत है, हमें हमारा यूं कहिए कि कर्तव्य है, ड्यूटी है, क्योंकि उसके बिना ना हम भारत के नागरिक रह सकते हैं ना शायद अच्छे इंसान रह सकते बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो ये संघर्ष तो जारी रहेगा और मुझे लगता है उसमें अलग अलग किस्म के जो औजार हैं, क्या तरीके हो सकते हैं, क्या किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल गरीब वंचित और हाशिए के समाज के लिए किया जा सकता है, ये किताब काफी कुंजी देती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू थैंक यू वेरी मच।